नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूँ बेनजीर हाशमी। खबरों में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा में गठबंधन में देरी से नाराज हुई आप पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान, लिस्ट हुई जारी। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर पहली बार निकले अमेरिका विदेश दौरे पर, यहां उन्होंने 2 कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। उन्होंने डेलास में भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात, साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के छात्रों से भारतीय राजनीति, इकोनॉमी और भारत जोड़ो यात्रा समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। एलओसी पे घुसपैठ कर रहे 2 आतंकवादी मारे गए। नौशेरा सेक्टर में देर रात हुआ एनकाउंटर, 2 AK-47 पिस्टल और गोला बारूद किए गए बरामद। राम मंदिर ट्रस्ट के 86 साल के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ मेदांता में कराया गया एडमिट। बात करें मौसम की तो एमपी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी, तो वहीं छत्तीसगढ़ और यूपी में 18 लोगों की गई जान। मणिपुर में ड्रोन हमलों के विरोध में छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन। बीती रात हजारों लोगों ने राजभवन सीएम हाउस तक निकाला मार्च। छात्रों ने राज्यपाल डीजीपी के इस्तीफे की मांग। श्रीलंका ने तमिलनाडु के 14 मछुआरों को किया गिरफ्तार। सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र से लगाई रिहाई की गुहार। एमपी कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा कल से होगी शुरू। बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी, मंदसौर से शुरुआत के साथ हर जिले से गुजरेगी यात्रा। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स 275 अंक चढ़कर 81,559 पर बंद। निफ्टी में भी 84 अंक की तेजी रही। वहीं बात करें सोने चांदी के भाव की तो चांदी 2,456 गिरकर 80,882 प्रति किलो पर आई। वहीं सोना भी 749 की गिरावट के साथ 71,192 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। 2 लिस्ट जारी होने के बाद हरियाणा की बागर बेल्ट में कांग्रेस उलझ गई है। दरअसल यहां 21 सीटों में से कांग्रेस महज 4 टिकट ही बांट पाई। आपको बता दें कांग्रेस 15 दिन से टिकटों का मंथन कर रही है, मगर बागर बेल्ट में पूरी तरह फंस गई। इन सीटों में से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दूसरे के समर्थकों को टिकट दिलवाने के लोबिंग कर रहे हैं। बताते चले कि बागड़ बेल्ट में हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, सिरसा और फतेहाबाद सीटें शामिल हैं। वहीं नामांकन के 3 दिन बचे हैं, ऐसे में कांग्रेस को जल्द ही इस पर फैसला लेना होगा। इन सीटों पर बगावत के सबसे ज्यादा आसार है। यहां हुड्डा और शैलजा समर्थक टिकट नहीं मिलने की सूरत में बागी भी हो सकते हैं। साथ में ये भी बता दें कि भाजपा यहां से 15 टिकट बांट चुकी है। इसके अलावा बाकी 4 सीटें भी हलोपा से गठबंधन के तहत फंसी हुई हैं। कांग्रेस इन सीटों पर 2 चरणों में अनाउंस कर सकती है। राजनीतिक दृष्टि से बेल्ट प्रदेश की सबसे मजबूत रही है और ताऊ देवीलाल समेत इस धरती ने 4 मुख्यमंत्री दिए हैं। हरियाणा में भजन लाल परिवार ने पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर से पूरी तरह से किनारा कर लिया है। दरअसल इस बार भजन लाल के पोते भव्य बिश्नोई ने नामांकन कार्यक्रम के पोस्टरों पर पूर्व सीएम मनोहर लाल की फोटो तक नहीं लगाई। बता दें पोस्टर पर खट्टर को छोड़कर बाकी सभी नेताओं को जगह दी गई। इस पोस्टर पर न सिर्फ पूर्व सीएम भजन लाल पिता कुलदीप बिश्नोई की फोटो लगाई गई, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश सह प्रभारी सतीश पुनिया, विप्लव देव, मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और जिला अध्यक्ष अशोक सैनी की भी फोटो लगी दिखी। वहीं बिश्नोई परिवार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बिश्नोई परिवार को डर है कि खट्टर की फोटो लगाने पर बिश्नोई समुदाय उनसे कहीं नाराज ना हो जाए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की बात चल रही थी। सुबह ही आपके नेताओं ने साफ किया कि अगर कांग्रेस की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आता तो वह सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की चर्चाओं के बीच आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जहाँ पहली सूची में 20 नाम है। बताते चले कि पार्टी ने कांग्रेस के 11 उम्मीदवारों के सामने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। रोहतक से विजेंद्र हुड्डा को प्रत्याशी घोषित किया गया, तो वहीं नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह प्रत्याशी होंगे। पार्टी ने कलायत से अनुराग ढांडा को उम्मीदवार बनाया। घरौंडा से जयपाल शर्मा, असंघ से अमनदीप जुडला को टिकट दी गई।
समालखा से बिट्टू पहलवान, उचाना कला से पवन फौजी और डब्वाली से कुलदीप गदराना को टिकट मिला है। रानिया से हैप्पी रानिया, भिवानी से इंदु शर्मा, महम से विकास नेहरा, बहादुरगढ़ से कुलदीप चिकारा, बादली से रणवीर गुलिया और बेरी से सोनू अहलावत शेरिया को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ से मनीष यादव, नारनौल से रविंद्र मटरू, बादशाहपुर से वीर सिंह सरपंच, सोहना से धर्मेंद्र खटाना और बल्लभगढ़ से रविंद्र फौजदार को टिकट दी गई है। कांग्रेस की पहली सूची में 32 सीटों पर प्रत्याशित घोषित किए जाने पर जिन दावेदारों के टिकट कट गए उनमें से कई सीटों पर दावेदार विरोध जताते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के पास जाकर गुस्सा दिखा रहे हैं। वहीं इसी को लेकर बावरिया काफी दबाव में हैं और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया की तबीयत बिगड़ गई है। वीपी अब नॉर्मल होने की वजह से उन्हें दिल्ली एम्स में एडमिट कराया गया। वहीं टिकट वितरण को लेकर पार्टी में मचे घमासान के चलते उन पर लगातार दबाव बन रहा था और एक दिन पहले ही बावरिया का भावुक होने का वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो में टिकट के दावेदार उनको घेरे हुए हैं। सोशल मीडिया पर इससे पहले भी बावरिया के समर्थकों के बीच रोने का वीडियो वायरल हो चुका है। आपको बता दें कि इस बार टिकट कटने पर कई नेताओं के रोने और भावुक होने के फोटो व वीडियो सामने आ रहे हैं। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा उम्मीदवार विपुल गोयल और विधायक राजेश नागर का पर्चा भरवाया। इससे पहले उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय में जहां मनोहर लाल पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा उम्मीदवार विपुल गोयल और विधायक राजेश नागर नामांकन करने पहुंचे, इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री किशन पाल गुर्जर भी दिखाई दिए। मनोहर लाल ने दोनों उम्मीदवारों को जीत का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि नामांकन में 4 दिन और बचे हैं, जल्द ही भाजपा की तीसरी सूची भी जारी हो जाएगी, लेकिन जिस तरह का वातावरण नजर आ रहा है ये बताने के लिए काफी है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार आ रही है। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा में ही हो सकता है कि जहां एक विधायक की टिकट काट दी जाए, बावजूद इसके वह विधायक उसे व्यक्ति को जिताने के लिए जिसे इस बार टिकट मिला है पूरे जी जान से जुट जाए। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।